बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई, आज तेलंगाना दौरे पर रहने वाले हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि तेलंगाना में दो जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी है, सुबह 10 बजे करीम नगर में पीएम मोदी की होगी जनसभा, दोपहर 12 बजे होगी वारंगल में जनसभा। तो प्रधानमंत्री मोदी आज दो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना दौरा है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का दौरा भी पीएम मोदी करने वाले हैं। तो पूरा फोकस अब चौथे फेज पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचेंगे, वहां पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तीन फेज के चुनाव हो चुके हैं कल संपन्न, और अब पूरा फोकस जो बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे खुद पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, अब चौथे फेज के चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, पूरी ताकत झोंक चुके हैं। और ऐसे में अब आज एक बार फिर पहुंचने वाले हैं तेलंगाना प्रधानमंत्री मोदी। इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के सिलसिले, प्रचार प्रसार के सिलसिले में तेलंगाना पहुंचे थे, आंध्र प्रदेश पहुंचे, तो आज फिर से पहुंचने का कार्यक्रम। 12 बजे वारंगल में करेंगे जनसभा को संबोधित। आगे बढ़ते हैं, केरल के राज्यपाल का आज अयोध्या दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सुबह 11 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे राज्यपाल, रामलला के दर्शन करेंगे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, आज रामलला के दर्शन राज्यपाल की तरफ से किया जाना है, केरल के राज्यपाल का अयोध्या दौरा। और देखिए किस तरीके से तमाम, अगर आप बीजेपी शासित राज्यों की बात करेंगे तो पूरी कैबिनेट गई है रामलला के दर्शन करने के लिए। अब ये जो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो रामलला के दर्शन आज करेंगे, अयोध्या वो जाएंगे। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 22 जनवरी के बाद से लगातार ये सिलसिला जारी है, जब तमाम दिग्गज या आप राजनेताओं की बात कर लीजिए जो अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। 500 सालों का संघर्ष खत्म हुआ है और अब इस कड़ी में केरल के राज्यपाल का भी नाम जुड़ने जा रहा है। 11 बजे कहा जा रहा है जब वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और उसके बाद वो सीधा रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचेंगे। और बात अब शेयर बाजार की। शेयर बाजार का समय बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द, शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय नहीं बढ़ेगा। सेबी ने एनएसई के प्रस्ताव को ठुकराया है। रात 11 बजे तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, अखबारों में भी इसका जिक्र है। निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूबे, शेयरों का मूल्यांकन ऊंचा होने को लेकर चिंता के बीच एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसी बैंक में बिकवाली से बाजार नीचे आया है। और देखिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक ब्रोकरों से समुचित प्रतिक्रिया ना मिलने का हवाला देते हुए इक्विटी डेरिवेटिव खंड में कारोबारी घंटे बढ़ाने के एनएसई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उलझन कड़प्पा सीट पर भाई बहन की जंग है, पिता की आवाज के सहारे वोट मांग रही है शर्मिला। शर्मिला का मुकाबला अविनाश रेड्डी से है। आंध्र सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला, और इस बार यह मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। उलझन कड़प्पा सीट पर भाई बहन की जंग को लेकर इस वक्त सबकी निगाहें बनी हुई हैं। एक तरफ जहां पिता की आवाज के सहारे शर्मिला वोट मांग रही हैं, तो शर्मिला का जो मुकाबला है वो अविनाश रेड्डी से है। आंध्र सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला। और अब आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद से खबर है, जहां पर अहमदाबाद पहुंचे हैं 6 देशों के प्रतिनिधि। मेहमानों ने चुनाव देखा, मेहमानों ने प्रबंधन की सराहना की, वोटर्स के उत्साह की भी सराहना करते हुए नजर आए तमाम जो प्रतिनिधि हैं अहमदाबाद पहुंचे, क्योंकि कल वहां पर वोटिंग थी और इस दौरान 6 देश के प्रतिनिधि पहुंचे अहमदाबाद। मेहमानों ने चुनाव देखा कि कैसे चुनाव होता है, किस तरीके से जो वोटर्स हैं वो पहुंचते हैं, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करके वोट देते हैं। वोटर्स के उत्साह की भी उनके द्वारा सराहना की गई, साथ ही साथ जो प्रबंधन वहां पर किए गए थे चुनाव को देखते हुए उसकी भी सराहना यहां पर की गई। तो देखिए किस तरीके से तैयारी की गई थी, उस तैयारी को लेकर तारीफ हुई है। आगे बढ़ते बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के मुबारकपुर में नाबालिग बच्चे का अपहरण हुआ है, बड़ी खबर मिल रही है। अपहरणकर्ता की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, अब मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरीके से एक नाबालिग बच्चे का यहाँ पर अपहरण किया गया है। और देखिए पूरा मामला ये मुबारकपुर का बताया जा रहा है, हालांकि जो अपहरणकर्ता है, जो किडनैपर है, उसकी तस्वीर वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी पुलिस को इस किडनैपर को ढूंढने के लिए, और इसीलिए पुलिस की तरफ से जाँच इस पूरे मामले में शुरू कर दी गई है। कौन है किडनैपर, क्यों बच्चे का अपहरण किया गया, क्या इसके पीछे इसका मकसद था, ये तमाम सवाल अब पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। लेकिन क्योंकि ये जो किडनैपर है इसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये राहत की बात भी एक है कि अब पुलिस उस किडनैपर तक आसानी से पहुंच पाएगी, क्या कोई परिचिति तो नहीं है या फिर कोई पुरानी रंजिश। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश लगातार की जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे,
और अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। संजू पर भारी जैक और पोरेल की धुआंधार पारी। आईपीएल से जुड़ी यह खबर है। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 20 रन से हराया है और प्ले ऑफ की उम्मीदें कायम है। राजस्थान रॉयल का इंतजार बढ़ा और कुलदीप यादव जीत के हीरो बने हैं। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान को 20 रन से हराकर कायम रखी उम्मीदें। अभिषेक ने करियर का पहला अर्धशतक लगाया है। और कुछ पॉइंटर्स की अगर बात करें इस आईपीएल की खबर को लेकर, तो 20 विकेट राजस्थान के गेंदबाजों ने 11 पारियों में पावर प्ले में 8.27 की इकोनॉमी से चटकाए और 78 रन दिल्ली ने पावर प्ले में बनाए, जो मौजूदा सत्र में तीसरा सर्वोच्च स्कोर है उसका। और 53 रन दिल्ली ने 3 ओवर में 3 विकेट खोकर जड़े हैं। और संजू सबसे तेज 200 छक्के, संजू आईपीएल में सबसे तेज छक्के जड़ने वाले भारतीय बन गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने 163वें, आपको ये भी बताते चलें कि 159 रन की पारी खेली। और पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड और भगोड़े नीरव मोदी को यूके की एक कोर्ट से लगा है झटका। लंबी कैद का हवाला देकर नीरव ने की थी जमानत की मांग। कोर्ट ने नीरव की 5वीं जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। और देखिए, अमर उजाला मेरे पास है, फ्रंट पेज पर यह खबर है जिसमें हेडलाइन है, ब्रिटेन में 5वीं बार खारिज हुई नीरव मोदी की जमानत याचिका। पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर फरार हुए कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका ब्रिटेन के कोर्ट ने 5वीं बार खारिज कर दी है। नीरव 5 साल से अधिक ज्यादा समय हो गया है और जेल में है लंदन की। लंबी कैद और अवसाद का हवाला देते हुए उसने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि उसके किसी अन्य स्थान पर फरार होने का जोखिम है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। 810 किलो सोना नदी में डूब गया पूरा बक्सा। 666 करोड़ का सोना ले जाया जा रहा था जो कि वाहन पलट गया। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। तमिलनाडु के इरोड इलाके की ये पूरी घटना है। हालांकि आपको बता दें, बाद में जानकारी मिली कि बाद में बक्से को निकालकर गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया। पुलिस के अनुसार गहनों से भरा बक्सा निजी फॉर्म का था, जिसको लेकर एक वैन कोयम्बटूर से सलीम के लिए रवाना हुई। पुलिस ने कहा कि जब वाहन वहां पर पहुंचा तो चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, वाहन पलट गया, बक्सा इसमें गिर गया। और आपको बता दें कि जो चालक है वो भी हालांकि घायल हुआ है, लेकिन बाद में उसको अस्पताल पहुंचा गया। और जो बक्सा था उस सोने को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, सोने को भी फिर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की और बात मौसम की करेंगे, क्योंकि लगातार सूरज आग उगल रहा है और राजस्थान में यही हाल है। अगर बात एमपी और पंजाब की करें तो वहां पर भी तपती गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, मई में ही लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लगातार इजाफा तापमान में हो रहा है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और दिन में अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको लू के जो थपेड़े हैं वो भी महसूस होंगे। 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है और आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले या कुछ काम करें या जो छोटे कारोबार करते हैं उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें इस मौसम में हो रही होगी। लेकिन 40 के पार जब पारा पहुँच चुका है तो आगे आप समझिए कि हालात और ज़्यादा भयंकर होंगे। बात मध्य प्रदेश की करें, पंजाब की करें, तो यहाँ पर लोग परेशान गर्मी से हो चुके हैं, इसलिए लोगों को लगातार एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पीजिए, अपना ध्यान रखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, घरों से बाहर तभी निकलिए अगर ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का खास तौर पर खास ख्याल रखने की ऐसे मौसम में ज़रूरत होती है। और सोचिए, ये तो अभी मई है, आगे जून जुलाई अगस्त में क्या होगा, किस तरीके से सूरज और ज़्यादा आग उगलेगा, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। रंजना, आगे बढ़े। बिल्कुल। और देखिए अगली बड़ी खबर, फर्जी एनओसी पर ट्रांसप्लांट एक्शन में सरकार। सोटो चेयरमैन के पद से डॉक्टर भंडारी को हटाया गया। उनका दावा है कि मैं तो 2022 में ही पद छोड़ चुका हूं। बढ़ते आगे। देखिए, पार्टी के सितारे बुलंद करने में लगे हैं नेता। सीएम भजनलाल को 8 राज्यों में स्टार प्रचारक बनाया गया है। कांग्रेस ने पायलट को 15 राज्यों में स्टार प्रचारक बनाए हैं। राजस्थानी नेताओं की देश भर में लोकप्रियता बढ़ रही है। बीजेपी में 6 और कांग्रेस के 8 नेता स्टार प्रचारक हैं। और इस तरीके से जरा समझिए कि किस तरीके से जो राजस्थान के नेता हैं उनकी डिमांड है, वो कैसे स्टार प्रचारक के तौर पर इन डिमांड है और लगातार वो अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि पार्टी के सितारे बुलंद करने में लगे हैं नेता, और राजस्थानी नेताओं की देश भर में काफ़ी लोकप्रियता भी है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात केरल की होगी, जहाँ पर 3 जिलों में वेस्ट नाइल बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूल, ये 3 जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है इस बुखार को लेकर, क्योंकि इसके जो मरीज हैं वो अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर पहले ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में होकर काम कर रहा है। कोझिकोड, मलप्पुरम
और त्रिशूर, ये तीन जिले हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। तो देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया इस फीवर को लेकर, क्योंकि लगातार लोगों में ये फीवर बढ़ रहा है तेजी के साथ और कितना ज्यादा खतरनाक ये है इस बात से आप समझिए कि अलर्ट जारी किया गया लोगों से केरल वेस्ट नाइल बुखार को लेकर ये अलर्ट है। ऐसे में लोगों से कहा गया, खासतौर पर तीन ऐसे जिले हैं जहां पर ये केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां पर लोगों से ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा गया है। कोझिकोड, मलप्पुरम, त्रिशूर में अलर्ट जारी किया गया, ये वो तीन जिले हैं जिनका जिक्र अभी तक हम कर रहे थे। और कुछ कहना चाह रही है पलक आप? बिल्कुल, दरअसल ये जो वायरस है वो मच्छर के काटने से फैलता है, वेस्ट नाइल वायरस इसका नाम है। संक्रमित अधिकांश लोगों में लक्षण हालांकि कोई होते नहीं है, लगभग 5 में से 1 व्यक्ति में बुखार, दाने, मांसपेशियों में दर्द ये लक्षण होते हैं बेहद कम मामले में, लेकिन गंभीर होने पर वेस्ट नाइल मस्तिष्क में पहुंच जाता है, रीढ़ की हड्डी में भी सूजन का ये कारण बन सकता है। और यही वजह है कि इसको लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो बुखार है, ये जो फीवर है, वो न्यूरोलॉजिकल रोग हो सकता है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। भारत में केरल के उत्तरी जिले कोझिकोड में वेस्ट नाइल बुखार में 5 मामलों की फिलहाल पुष्टि हो चुकी है। जिला निगरानी टीम के एक अधिकारी ने बताया कि जिन इलाकों में वो रहते हैं वहां से कोई और फिलहाल मामला नया सामने नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल एक व्यक्ति के मच्छर जनित संक्रमित से पीड़ित होने का संदेह है और उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। इसके लक्षण है बुखार, सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, इसके अलावा समुद्री बीमारी और उल्टी, दस्त, दाने, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, गला खराब होना, आंखों के पीछे दर्द होना, बहुत तेज सरदर्द इसमें होता है, गर्दन में अकड़न होती है, मांसपेशियों में कमजोरी इसमें होती है। तो ये तमाम ये लक्षण हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण केरल वासियों में हैं तो उसको सीरियस लिए जाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। करोड़ों के टेंडर लेने का मामला है, जयपुर से खबर है। जल जीवन मिशन 900 करोड़ का घोटाला, ईडी एसीबी के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया है और घूस लेते पकड़े गए थे अधिकारी। तो मामला करप्शन का है, करोड़ों के टेंडर लेने का है। जल जीवन मिशन, जिसका मिशन ही जल को घर घर तक पहुंचाना है, हर घर नल से जल आए, इस मिशन के तहत में ही 900 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब मामले में ईडी एसीबी के बाद सीबीआई ने भी दर्ज किया है केस, और जो अधिकारी घूस लेते पकड़े गए थे अब जाहिर तौर पर उनके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि अभी उनके खिलाफ में जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल सबूतों के साथ ही उनके खिलाफ में बड़ा एक्शन होने वाला है, कड़ा एक्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे प्रीति। बिल्कुल पलक, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि फ्रॉड में शामिल मोबाइल नंबर, ऐसे में हैंडसेट ब्लॉक होने शुरू, डीओटी की तरफ से कहा गया है। धोखाधड़ी से निपटने के लिए चक्षु पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। डीओटी ने 30 अप्रैल तक 1.66 करोड़ कनेक्शन काटे हैं। डीओटी ने 1.66 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटे हैं फ्रॉड कॉल्स रोकने के लिए। पलक, ये बड़ा कदम, आप कुछ कहना चाहेंगे पलक? बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। फ्रॉड में जितने भी नंबर शामिल हैं उनसे निपटने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे, मानव तस्करी मामले में सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई है। रूसी समेत 4 को किया गया है गिरफ्तार। सीबीआई ने 2 लोगों को पकड़ा है, रूस में नौकरियों का लालच दिया जा रहा था और ऐसे ये कुछ एजेंट्स थे जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मानव तस्करी मामले में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाया है और कई गिरफ्तारियां हुई। दरअसल लोगों को यहाँ पर नौकरी का लालच दिया जा रहा था और ऐसे करके मानव तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। रूसी समेत 4 को फिलहाल पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बढ़ते खबरों में आगे, और 18 मई को भी खुलेगा शेयर बाजार। शनिवार को 2 स्पेशल ट्रेडिंग होगी और ट्रेडिंग सेशन के मद्देनजर 18 मई को भी शेयर बाजार खुला रहेगा। प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो क्या करेंगे? तो देखिए यही एक बड़ा सवाल है, और 18 मई को भी शेयर खुलेगा, क्योंकि देखिए आमतौर पर होता यह है कि जो शेयर बाजार है वो हफ्ते के सभी 7 दिन नहीं चलता। ऐसे में शनिवार को भी 2 स्पेशल ट्रेडिंग होनी है और इस कारण से 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे। प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग होगी। अब देखिए, क्योंकि अखबारों की हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास इस वक्त अमर उजाला है, और अमर उजाला के फ्रंट पेज की सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखिए एक तो तीसरे चरण को इसमें जगह दी गई है। तीसरे चरण के अलावा इसमें बात है रूस यूक्रेन युद्ध की, मानव तस्करी मामले में 2 और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं। फिर हरियाणा सरकार से अलग हुए 3 निर्दलीय विधायकों का जिक्र है, जो खबर हमने आपको बताया भी, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। 45 का आंकड़ा बहुमत की सरकार के लिए चाहिए, लेकिन क्योंकि सबसे खास बात यह कि सरकार अल्पमत में हो भी तब भी क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी सरकार विश्वास मत हासिल करती है और उसके बाद में 6 महीने तक सरकार नहीं गिर सकती,
तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा, ये छह महीने का टेन्योर जब पूरा होगा तो वहां पर चुनाव का वक्त आ जाएगा। हालांकि वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं बड़े, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि तुरंत प्रभाव से चुनाव होने चाहिए, लेकिन अभी वहां की सरकार सेफ है। तो एक तो ये हरियाणा की जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पर इस तरीके से लगातार अलग अलग तरीके से सिचुएशन नजर आ रही है। ये पूरा सिलसिला उस वक्त हरियाणा में शुरू होता है जब, देखिए, चुनाव में जब बहुमत हासिल नहीं हुआ पिछली बार तो जेजेपी साथ में आई और उप मुख्यमंत्री का पद दुष्यंत चौटाला को दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में आपको याद होगा दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूट गया और आखिरकार जो, देखिए, जेजेपी के ही चार विधायक थे वो साथ में थे, इसके अलावा और जो निर्दलीय विधायक थे वो भी बीजेपी के साथ में थे। तो सरकार बहुमत की सरकार थी और बहुत ही स्मूथली सरकार चल भी रही थी। कभी कभी बीच बीच में इस तरह की सिचुएशन आई कि ये खटास कुछ कुछ मामलों को लेकर हो रही है, लेकिन अभी देखिए मौजूदा हालात की बात करते हैं तो 40 का आंकड़ा बीजेपी ने जीता। इसके अलावा देखिए गोपाल कांडा की जो पार्टी है उनका अपना एक विधायक है, फिर जेजेपी के विधायक है जो समर्थन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो बीजेपी के साथ में खड़े हुए हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं तो और अब यहाँ पर जो निर्दलीय हैं वो साथ में हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह की सिचुएशन हरियाणा के अंदर, ये तो हरियाणा की बात हुई, लेकिन आपके अगर अखबार में मैं फ्रंट पेज पर बात करूँ पलक तो क्या है? अच्छा, फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी हुई इसमें जानकारी है, क्योंकि 7 जुलाई से रथ यात्रा शुरू होनी है। काफ़ी भव्य रथ यात्रा होती है, तैयारियाँ उसकी काफ़ी महीनों से चलती हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानकर अच्छा लगेगा। पेड़ इसमें क्योंकि काटे जाते हैं, रथ बनाया जाता है, लेकिन इसमें ये जानकारी है कि जो पेड़ हैं, जो पूरे परिपक्व पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, उनकी पहले बाकायदा पूजा होती है। प्रभु जगन्नाथ का रथ लकड़ी काटने से पहले जंगल की देवी को भगवान की पोशाक पहनाई जाती है, फूल चढ़ाया जाता है, उनसे अनुमति मांगी जाती है, पूजा होती है और उसके बाद उन पेड़ों को काटा जाता है और उससे जो रथ बनाया जाता है। इसमें जानकारी है कि अक्षय तृतीया से शुरू होगी रथ बनाने की प्रक्रिया। दरअसल लकड़ी का नयागढ़ जो कहलाता है महीपुर जंगल, वहां पर यहां से लकड़ियां आती हैं। इन जंगलों में हर कोई लकड़ी नहीं काट सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पूजा स्थल के लिए यहां से लकड़ियां काटी जाती हैं और रथ की लकड़ी से महाप्रसाद बनाया जाता है। जब रथ यात्रा निकाल ली जाती है, उन पहियों का क्या किया जाए, तो उस पहियों का उपयोग किया जाता है भगवान की रसोई में, वहां पर महाप्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर प्रसाद में हर दिन 30-30, 40-40 हज़ार भक्तों का प्रसाद बनता है। तो उस रथ लकड़ियों को फिर महाप्रसाद में उपयोग कर लिया जाता है। प्रीति, आपके अखबार में कोई खबर? देखिए पलक, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने बताए हैं, और क्योंकि जो तमाम श्रद्धालु होते हैं वो सीधा सीधा इससे कनेक्ट भी करते हैं और ज़्यादा जानकारी देना बहुत ही इस मामले में जाहिर सी बात है एक अपने आप इस की गुड न्यूज़ इसे कह सकते हैं जो आपकी तरफ से दी गई बात। कुछ और भी खबरों की कर लेते हैं, क्योंकि अगर दैनिक जागरण की बात करें तो देखिए मैं जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर बात करूँगी, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो वारदातें हुई हैं उसमें अपने आप में सवाल खड़े हुए हैं और टारगेट किलिंग की 18 वारदात को अंजाम देने वाला TRF कमांडर साथी सहित मारा गया है। सेना की तरफ से यहाँ पर दरअसल एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा था, कामयाबी मिली है। कश्मीरी हिंदू मखलन लाल बिदुरू और साथ ही साथ प्रिंसिपल सुपिंदर कौर, अध्यापक दीपक का हत्यारा था बासित और कुलगांव में 12 घंटे चली मुठभेड़ में मारा गया ऑपरेशन कमांडर, 10 लाख रुपए का इनामी। इसके अलावा ऑपरेशन को लेकर भी अपडेट करें तो आपको पता होगा कि इस तरीके से आतंकी जो थे उनके दो स्केच भी बकायदा जारी किए गए थे। 20 लाख का नाम घोषित किया गया था कि जो आतंकियों की जानकारी देगा उनको ये पैसा दिया जाएगा, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सेना को मदद इससे मिलती है। मुझे लगता है कि आपके पास भी कुछ जानकारी जो आप शेयर करना चाहती है रंजना। बिल्कुल, देखिए झारखंड से जुड़ा ये पूरा मामला है, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह से नोटों की गड्डियां बरामद की गई थी। अपडेट है, झारखंड नकदी मामले में ईडी ने मंत्री के निजी सचिव को गिरफ्तार किया है और ईडी के फ्लैट से ईडी ने 32 करोड़ रुपए से अधिक नकदी बरामद करने के मामले में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव को गिरफ्तार कर लिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, आज पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, आंध्र प्रदेश के राजमपेट में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:45 पर राजमपेट में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे विजयवाड़ा में भी रोड शो करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो देखिए बैक टू बैक आज पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन साउथ पर बीजेपी इस बार पूरी तरह से फोकस्ड है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कमान संभाल रखी है और लगातार वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी हो या तमाम दिग्गज हो साउथ के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जैसा कि इस बार एनडीए का लक्ष्य 400 पार, ये नारा हर जनसभा में भी गूंज रहा है। और उस बीच खबर नेपाल से, सत्ताधारी गठबंधन में फूट, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में विभाजन,
पीएम पुष्प दहल प्रचंड की पार्टी है जेएसपीएन, नेपाली चुनाव आयोग ने मान्यता दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नेपाल में सत्ताधारी गठबंधन में फूट की जानकारी मिल रही है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में विभाजन, पीएम पुष्प दहल प्रचंड की पार्टी है जेएसपीएन और नेपाली चुनाव आयोग ने इसी को लेकर मान्यता दी है।